अरे भाई ये क्या बोल दिया, एस ई एक्स, ये वर्ड कहां से मुंह से बाहर आ गया। एक्स में मजा है या नहीं है? शर्म नहीं आ रही पब्लिक में? यस। अरे बहुत मजा है, कौन कहता है मजा नहीं है? कौन कहता है मजा नहीं है? और अगर मजा नहीं होता तो हमारे देश की 125 करोड़ की आबादी कैसे होती? देखो लोग कर क्या रहे हैं, एक स्टूडेंट की लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स की हिम्मत नहीं हो रही है बात बोलने की यहां पर, क्योंकि बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जड़ क्या है प्रॉब्लम की, मैं वो समझ सकता हूं क्योंकि मैं उस फेज से निकल चुका हूं। मैं कोई 50 साल पुराना आदमी नहीं हूं। अरे भाई मैं समझ सकता हूं आपके ऊपर क्या बीत रही है, मैं समझ सकता हूं कि साइंटिफिकली जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो क्या होता है। इस प्रॉब्लम के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ो, टीचर्स कह रहे हैं पढ़ो, कोई ये नहीं बता रहा कि यहां से अपना ध्यान कैसे हटाए, कैसे हटाए। अब वो भी क्या बताएंगे, वो खुद अपना ध्यान नहीं हटा पाए वहां से। मुझे लग रहा है यहां पर कुछ पेरेंट्स थोड़ी देर में बगावत करने वाले हैं, भाई ये ज्यादा हो रहा है, हमारी संस्कृति में ये सब बातें अलाउड नहीं है, हमारे कल्चर में ये सब बातें फिट नहीं होती। कौन सा कल्चर, कौन सी संस्कृति, ध्यान से समझो क्या मैं बोलने वाला हूं। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी चीज की, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कल्चर बनता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। कल्चर जो बनता है, ट्रेडिशंस जो बनते हैं, वो बनते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। सिचुएशंस कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं बनती भाई, इस बात को हमको समझना है कि ये जो कल्चर बना था आज से 1000 साल पहले वो बिल्कुल परफेक्ट था उस 1000 साल पहले वाले टाइम के हिसाब से। आज के हिसाब से कैसे भाई, कैसे लगाओगे इन सब बातों को यहां पर, आज के टाइम में कैसे अप्लाई करोगे? जब सेक्स करने के लिए आज से अगर हम पीछे चले जाएं, मे बी 500 साल पीछे चले जाएं, तो अगर आप पेरेंट्स हो, आपको अपने बच्चों को इन सब गलत कामों में जाने से रोकना है, अगर इसको गलत कहें तो, हाँ इन सब कामों में जाने से रोकना है, तो आप क्या कर सकते थे, उसके हाथ पैर बांध करके उसको कमरे में लॉक कर दो, और जब शादी की है जो उसकी फटाफट से शादी करा दो, या चाइल्ड मैरिज करा दो ना, जरूरत ही क्या है, आगे बढ़ना ही मत दो उसको, फटाफट से चाइल्ड मैरिज, 5-6 साल का है चाइल्ड मैरिज कराओ काम खत्म। उस टाइम के हिसाब से वो ठीक था, आज आप कैसे रोकोगे? और मैं सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर्स उनकी बात नहीं कर रहा जो फिजिकल लेवल पे है, वो तो है ही है, एक मेंटल लेवल पे भी है कि somebody wants to do that, आप रोक नहीं सकते अपने बच्चों को, उनके मोबाइल में, उनके लैपटॉप में, उनके कंप्यूटर में, उनको सिर्फ कुछ बटन दबाने हैं, और बटन दबाने के बाद में अपने दिमाग में जो वो चाहे वो कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, तो उनको कैसे रोका जाएगा, कैसे रोकेंगे? उससे बड़ी कोई पावर चाहिए उनको रोकने के लिए? बल्कि रोका भी नहीं जा सकता उस माइंड को जो इधर जा रहा है, कोई और डायरेक्शन दी जा सकती है। वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द माइंड। ये पावर इतनी बड़ी है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता, इसकी डायरेक्शंस को चेंज किया जा सकता है, माइंड की एनर्जी इसको कहीं और लगाया जा सकता है। तो ये एक ऐसी पावर है जिसको डिजायर बोलते हैं, है डिजायर ही दोनों तरफ, अगर आप ध्यान से देखो जो भी मैंने अब तक कहा आज के सेशन में, है डिजायर ही, एक है कुछ पॉजिटिव करने का डिजायर, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का डिजायर, कुछ बनने का डिजायर, कुछ करते रहने का डिजायर, अपनी एनर्जी को बढ़ाने का डिजायर, और एक तरफ है अपनी एनर्जी इसको वेस्ट करने का डिजायर, मजे लेते रहने का। एक डिजायर है जो आपको नीचे ले जाएगा, आप धसते चले जाओगे, एक डिजायर है जो आपको ऊपर उठा देगा, आगे ले जाएगा, परे ले जाएगा। धीरे धीरे यही डिजायर आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाएगा, जो आज आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और यह सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही यहां पर, कोई भी वो आदमी जिसके पास में करने के लिए कुछ नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, उसका ध्यान इन्हीं चीजों की तरफ जाने वाला है, और कहीं जा ही नहीं सकता, चाहे वो नशा हो, चाहे वो ये हो जिसकी मैंने अभी बात करी, इस वर्ड को कहने में भी डर लगता है, सेक्स, वो हो, उसके अलावा और कहां जाएगा ध्यान?
खाने के ऊपर जाएगा, खाने के ऊपर जाएगा। आज हमारे लिए एंजॉयमेंट का मतलब क्या है, शादी का मतलब क्या है? शादी में शादी के लिए कोई नहीं जाता, खाने के लिए जाते हैं। अरे भाई उस शादी में खाना बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है। ये सारी बातें हमको पता है अंदर तक, लेकिन जड़ क्या है? करने के लिए कुछ और है ही नहीं, तो क्या करें, खाने में मजे लेंगे ना? या तो करने के लिए और कोई ढंग का काम हो, कोई और मकसद हो जिंदगी में, कोई डिजायर हो, उसको तो पूरा करें, है ही नहीं तो क्या करें, यही करो ना, खाओ पियो मस्त रहो। एनर्जीज कहां चली गई? खाने के ऊपर चली गई, क्योंकि खाने में मजा है। कौन कहता है खाने में मजा नहीं है? अरे बहुत मजा आता है, आपको जो फेवरेट खाना है वो आपके सामने आ जाए और खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? खाए जाओ खाए जाओ, उसके बाद में फर्क पड़ता है, उस दिन नहीं फर्क पड़ता। जिस आदमी की बॉडी ठीक काम नहीं कर रही उसका माइंड किसी भी हाल में ठीक काम कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इंपॉसिबल। यही बात बुद्ध ने भी कही थी आज से 2500 साल पहले, कि अगर हमको अपने माइंड को क्लियर रखना है, शार्प रखना है, फोकस्ड रखना है, कंफ्यूजन को खत्म करना है, तो हमको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एनर्जीज को सही डायरेक्शन देनी है, वो एनर्जी जो खाने पीने में जा रही है उसको लगाना है एक्सरसाइज में, उसको लगाना है खेलने में, उसको लगाना है फिजिकली वर्कआउट करने में, कुछ करने में, अपने टेस्ट को धीरे धीरे बदलने में, वहां से हट करके जो मिर्च मसाले वाली है, ऐसी ऐसी जो चीजें हैं तेल वाली और ये सब चीजें, यहां से हटा करके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ऐसी ऐसी चीजों में। अब मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो ऐसा लगेगा न्यूट्रिशन की क्लास चल रही है। आगे बढ़ते हैं, तो ये मैंने आपको तीन चीजें बताई, और क्या है जिसमें मजा आता है? नींद, आलस, सोने में बड़ा मजा आता है, सोते रहो रिकॉर्ड बनाते रहो। नींद अगर आप लिमिट में लो तो बहुत बढ़िया है, अमृत है, और जरूरत से ज्यादा लो तो जहर, जहर। और क्या है इसके अलावा? कॉमेडी। अब ये बात बड़ी अजीब लग रही है सुनने में, लेकिन ध्यान से समझना, बोलते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, सच है, बट मेडिसिन की भी एक लिमिट होती है। आपने 2 घंटा लग करके पढ़ाई करी, दिमाग का दही हो गया, उसके बाद में बैठ करके आप 15 मिनट के लिए कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हो इंटरनेट पे, वो तो ठीक है, लेकिन पूरा दिन बैठे बैठे बस कॉमेडी की तरफ ही घूमते रहो तो क्या होगा? व्हाट्सएप के ऊपर कॉमेडी जो, अरे वाह ये बहुत बढ़िया है, अरे ये बहुत बढ़िया है, अरे मजा आ गया, वाओ क्या बात है, ये वो। कॉमेडी है एक थके हुए माइंड को रिलैक्स करने का नाम, वो माइंड जो थका हुआ है उसको रिलैक्स करने के काम आती है कॉमेडी। बट इसी रिलैक्सेशन से अगर आप अटैच हो जाओ तो क्या होगा? बर्बाद कर देगी, समझो ये गोली के जैसी है, जो डिप्रेशन पेशेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करने की गोलियां दी जाती हैं, उनके माइंड को रिलैक्स करने की मेडिसिन दी जाती है। लाफ्टर भी ऐसी एक मेडिसिन है जो नेचुरल है, लेकिन वो भी खतरनाक है अगर जरूरत से ज्यादा आप उससे अटैच हो जाओ। अजीब लग रही है ना ये सारी बातें सुनने में, जो नॉर्मल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। लोग क्या बोलते हैं, अरे हंसते खेलते रहो, की फर्क पैंदा है, भूल जाओ। भूलने से कुछ नहीं होगा, सोने से कुछ नहीं होगा, हंसने से कुछ नहीं होगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स की जड़ है वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है, जड़ जो है वो वहीं की वहीं है। जड़ क्या है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, आपके पास में करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो करना क्या है कि एक तरफ है मजा, एक तरफ है दर्द, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है, बैलेंस क्रिएट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये करना है या सिर्फ वो करना है, नहीं, दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है। अरे मैं भी मूवीज देखता हूं, मैं भी बहुत कॉमेडी शोज देखता हूं, मैं भी बहुत मजे करता हूं, अपनी जिंदगी को खुल करके जीता हूं, लेकिन साथ साथ में बैलेंस क्या है कि वो काम जो करना जरूरी है
उसको करने के लिए जो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूं। लोग मजा तो चाहते हैं लेकिन दर्द सहना नहीं चाहते, ये जड़ है हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की। चाहते तो हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा कर जाएं, बहुत बड़े सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन उसके लिए जो दर्द सहना पड़ेगा, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कि आपको दर्द हो आपके माइंड को या आपकी बॉडी को, वो काम हम नहीं करना चाहते। और सक्सेस मिलेगी आपको वही काम करने से। तो क्या निकला आज के सेशन से, अगर मैं इसको समअप करूं एक लाइन के अंदर अंदर, कि इस दुनिया में डिजायर से बड़ी कंस्ट्रक्टिव पावर और कोई नहीं है। सब कुछ बदला जा सकता है अपनी जिंदगी में भी और इस पूरी दुनिया में भी, इस पूरी की पूरी दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी जा सकती है उस डिजायर की वजह से, अगर ये डिजायर सही डायरेक्शन में है तो। यही डिजायर अगर गलत डायरेक्शन में चला जाए तो इससे बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर भी इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं। जो लोग ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच चुके हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आज यहां पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनके आगे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उनको यह फैसला करना होगा भाई। और आपके फैसले के ऊपर इंडिया का नहीं, इस पूरी दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करने वाला है। आपका फैसला सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, अरे इस पूरी दुनिया को बदल देगा। क्या फैसला करोगे आप, किसको चुनना है और किसको छोड़ना है, किसको लिमिट में करना है और किस तक जाना है, जिस तक जाने में डर लग रहा है उस डर को फेस करना है, उस दर्द को सहना है, कैसे? तो अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, सिर्फ एक लाइन, कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे 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 कुछ करना है, मरते दम तक करना है, करते रहना है, चाहे कुछ भी हो रहा है मुझे करते रहना है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ करके रखना है। आसान है, बहुत आसान है, अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई, सोचो।